हाय ब्यूटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, जो कि मैंने किया हुआ है एकदम कम प्रोडक्ट के साथ, मतलब सिर्फ उस 4 प्रोडक्ट का यूज करके। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बस यही बताने वाली हूँ, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं है तो आप लोग एकदम कम मेकअप प्रोडक्ट के साथ कैसे रेडी हो सकते हो। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। पर चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कम ऑन लेट गेट स्टार्टेड। हे ब्यूटी, यहाँ पे मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, टोनर एंड मॉइस्चर वगैरह अप्लाई कर लिया है। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो है लैक्मे की सीसी क्रीम। आप पॉन्ड्स की बीबी क्रीम कुछ भी ले सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे ले सकते हो। तो उसको मैं अपने पूरे फेस में इस तरीके से फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करूँगी, और अपना नेक एरिया नहीं भूलना है, मैं अपने नेक में भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप इसे ब्लेंड करने के लिए चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर सकते हो, चाहो तो फिंगर का। तो मैं आप लोगों के अपने फिंगर की हेल्प से ही इसे ब्लेंड करके दिखाने वाली हूँ, और ये ईजिली ब्लेंड हो जाती है, फिंगर की हेल्प से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और ये आप लोगों को अच्छा खासा कवरेज प्रोवाइड कर देता है, मीडियम कवरेज बोल सकते हो, मीडियम कवरेज दे देगा आप लोगों को। अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा कवरेज चाहते हो तो आप इसकी 2 लेयर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें अपने बेस को सेट करना होता है, मतलब जो हमने सीसी क्रीम अप्लाई की है उसे हम सेट करेंगे। तो उसके लिए आप चाहो तो कोई कॉम्पैक्ट पाउडर, कोई लूज पाउडर, कोई टैल्कम पाउडर, आपके पास जो पाउडर अवेलेबल है आप उसकी हेल्प से अपने बेस को सेट कर लेंगे, मतलब जो सीसी क्रीम अप्लाई की है उसे हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, इसकी हेल्प से मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एलिडिन का काजल, इसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी, क्योंकि हम जो आज मेकअप करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोडक्ट के साथ। तो इसीलिए मैं इसी काजल की हेल्प से एकदम हल्के हाथों से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। और हाँ, अगर आप लोग काजल से अपने आईब्रो को कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आईब्रो थोड़ा डार्क हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं दिखेंगे। एकदम हल्के हाथों से फिल कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारी आईब्रो अच्छे से फिल हो चुकी है। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट को लूँगी और उसी के ऊपर इस तरीके से डब डब कर लूँगी, जिससे कि हमारी आईब्रो नेचुरल दिखे। तो हमारा 4th प्रोडक्ट है ए लिपस्टिक। तो लिपस्टिक को मैं इस तरीके से हल्का लेके अपने हैंड में इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद हम अपने लिड में फिंगर के हेल्प से एज अ आई शेडो की तरह अप्लाई करेंगे। तो बस हल्के हाथों से एकदम अपने लिड में इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और ये ना बहुत ही अच्छा एक पिंक शेड है, आप अपने पसंद के, आपके पास जो लिपस्टिक हो आप उसी को लेके एकदम हल्का हल्का अपने लिड में अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद उसी लिपस्टिक को लेके हम अपने फेस में इस तरीके से डॉट डॉट करेंगे, मतलब चीक्स में डॉट डॉट करेंगे, और फिंगर की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। एक बहुत ही प्यारा ब्लश का काम करता है, और मुझे ना पर्सनली, मैं जब जब कहीं जाती हूँ ना लिपस्टिक से ही ब्लश अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये नेचुरल दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और एकदम हल्का सा नोज में भी अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि मैंने एक नेचुरल सा लुक दिखे। उसके बाद हम लेंगे फिर से वही काजल, उसको लेके सबसे पहले मैं अपने वाटर लाइन में अप्लाई करूँगी, उसके बाद वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। मैं ना थोड़ा सा थिक काजल अप्लाई करने वाली हूँ, आप लोगों को थिक पसंद हो तो थिक अप्लाई कर सकते हो, आप अपने अनुसार काजल को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद उसी काजल को हम अपने अपर लैश लाइन में अप्लाई करेंगे एज अ आईलाइनर की तरह। तो बस उसी काजल से हम एक थिक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसके बाद हम अपने आउटर कॉर्नर में एक इस तरीके से एक विंग बनाएंगे एकदम हल्का सा, और ये हमारा काजल लुक कंप्लीट है। और आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसी तरीके से हम अपनी दूसरी आईज भी कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी कॉम्पैक्ट को लेके अपने काजल के एकदम जस्ट नीचे अप्लाई करेंगे, अंडर आई में, आप लोग बोल सकते हो लोअर लैश लाइन में, एकदम हल्का हल्का इस तरीके से डैब डैब कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा काजल फैलेगा नहीं, लॉन्ग लास्ट रहेगा। लास्ट स्टेप है लिपस्टिक अप्लाई करने का। तो मैंने फिर से वही लिपस्टिक ली हुई है, और मैं बता दूं मैंने कौन सी लिपस्टिक ली हुई है, मैंने एन बाई वी की रन में लिपस्टिक ली हुई है, और एक क्रीमी लिपस्टिक है। तो इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। 4 प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर मेकअप होता है कम्प्लीट, लेकिन मुझे ना ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी बिंदी लगा लूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं उसी काजल से एक छोटी सी बिंदी लगाने वाली हूँ, और बिंदी लगाते ही ना पूरा लुक चेंज हो गया था सच में। अगर आप लोगों को बिंदी पसंद है तो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि लगाना ही पड़ेगा, अपने अपने पसंद की बात है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई हेयर स्टाइल कर लूँ,
लेकिन मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आया, खुले बाल ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उसके बाद मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं किया है। आप लोग अपने पसंद का हेयर स्टाइल बना सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।